So, hello everyone, welcome back to the channel and a new episode of Transit Duologies. जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम फिर निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन की ओर, एक नए लोकेशन की ओर. और ये वाला सफ़र हम कर रहे हैं, पता नहीं कितने दूर का है. आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट और शहीद समथिंग, इंडिया गेट और शहीद स्मृति पार्क. सुना ये सारी जगहें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे हम. और आज फिर से उसी स्टेडियम में एक और मैच हो रही है. आज भी हम एक बॉल देख के ही जाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है. सो गाइस, यहाँ मेट्रो घुसते ही कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने चश्मे बदल लिए. अब पहले अपनी एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद बाकी का जर्नी आपको दिखाते हैं. साथ में हमारे रहेंगे प्रभात भैया. सो गाइस, कॉन्कर्स में आ गए हैं हम दोनों और अब हम जाएंगे नीचे. इसके बाद कहाँ जाएंगे प्रभात भैया? प्लेटफॉर्म. क्या प्लेटफॉर्म? रेलवे प्लेटफॉर्म. तो कौन सा प्लेटफॉर्म? उद्योग भवन के प्लेटफॉर्म जाएंगे अब हम. चलिए, देखो कौन कौन सा भवन है, वहाँ से ले लो. ओ, भवन है यहाँ पर, निर्मल उद्योग भवन, निर्मल भवन, मिनिस्ट्री. सो गाइस, फाइनली उद्योग भवन गाइस पहुंच चुके हैं. ये है गेट नंबर 1 और ये सामने हमारे रहा वायु सेना भवन. ये विशाल आकार बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वायु सेना भवन. तो गाइस, अब रोड क्रॉस करने का टास्क है हमारे पास, आइए कर लेते हैं. और प्रभात भाई आगे आगे जाते हुए एक फ़ोटो की डिमांड कर रहे हैं मुझसे कि मैं एक फ़ोटो ले लूं. अभी लेते हैं. तुमको इंडिया के घुमाने में कुछ फायदा होगा नहीं. यहाँ एक बस भी चलता है ना जो सब जगह घुमाता है. नहीं, वो तो अलग है. हाँ, एक बस चलती है. यहाँ से तुम राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन सब देख सकते हो. सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं शहीद स्मृति भवन, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं. और इसको अभी हम करेंगे एक्सप्लोर, साथ में रहेंगे प्रभात भैया और देखते हैं कैसी जगह है ये. सो गाइस, ये शहीद स्मृति पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है. अभी मैं आपको कुछ कुछ ऐसे शॉट्स दिखाने वाला हूँ जिनको देख कर मेरा तो मन किया बैठ जाने का. मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर. अब ये माहौल हम इंजॉय करेंगे, आप भी मेरे साथ इंजॉय कर सकते हैं. निकट से भी हम आपको दिखाएंगे ये. लुक एट द सीन गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक जगह है. क्या क्या गड़बड़ा गया? ब्लोअर नहीं मारे बाल में, ब्लोअर नहीं मारे. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारा हो गया. चलते हैं आगे, हमारे पास क्या है इस पार्क में देखने के लिए और आपको भी दिखाते हैं. ओह माय गॉड गाइस, ये जो आप देख रहे हैं
इस बीच में सच में कुछ नहीं है, यू कैन सी द वाटर, सी। अगर आपका पैर गया तो गयो। सो हम तो थोड़ी इसी अटेंटिव होकर ये पार करेंगे। और चलते चलते पता ही नहीं चला कि हम कब राष्ट्रपति भवन की ओर पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अच्छे वाले कैमरा से। वेट, जैसे जैसे ये रास्ता, लंबा रास्ता हम तय करते हुए जा रहे हैं आगे, वैसे वैसे हम राष्ट्रपति भवन के निकट पहुंचते जा रहे हैं। ये अनुभव भी कुछ अलग है, निराला सा है। बट प्रभात भैया कहाँ रह गए? यूट्यूब ब्लॉग। तो ये नॉर्थ और साउथ आपने बता दिया, तो नॉर्थ और साउथ में से फर्क क्या है? बस नाम रख दिया। गाइस, ये लोकेशन मैंने कितने बार जो देखा है, आज खुद से देख रहा हूँ। इट्स रियली अमेजिंग प्लेस। यहाँ से हमें पहुँचने, ये कौन सी जगह बोली, इंडिया गेट पहुँचने के लिए 1 से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो चलेंगे। वो एक रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे हेडक्वार्टर, एंड दैट्स ऑन द इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर, एंड दैट्स ऑन द वाणिज्य भवन। सो गाइज, हमारा राष्ट्रपति भवन देखना तो हो गया, अब हम जाएंगे इंडिया गेट की ओर। सो ब्रो, व्हाट डू यू से नाउ, से समथिंग। इन्होंने अभी रूम पे कॉल किया है, जो दोस्त हमारे साथ नहीं आए हैं उनको हम वीडियो कॉल करके चला रहे हैं। ए रहा इंडिया गेट, ए रहा राष्ट्रपति भवन। लाइट हमारे ऑपोजिट चला गया है दोस्तों, और ये दूरी जितनी दिखती है उतनी उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा है ये दूरी, करीब करीब 2 किलोमीटर। सो गाइज, लाइटें जल चुकी हैं, जिसका मतलब है कि शाम ढलने वाली है, रात होने वाली है। यहाँ पर एक अंडरपास की सुविधा भी उपलब्ध है। चले हम अंडरपास के रास्ते से, देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ पहुँचाता है। और ये हम लोग निकल गए हैं अंडर क्या नाम बोला था आपने, अंडरपास से हम लोग निकल चुके हैं, और अभी जा रहे हैं सीधे इंडिया गेट, द मोस्ट अवेटेड प्लेस। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, सनसनीखेज खुलासा होगा अभी, बने रहे हमारे चैनल पे। गाइस, जितनी ज़्यादा हम नज़दीक पहुंच रहे हैं इंडिया गेट की, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत ये बनती जा रही है, और ये इतनी ज़्यादा विशाल आकार होती जा रही है। हम मंत्रमुग्ध, क्या होता है ये शब्द, नहीं आइडिया है हमें, जो भी हो हम मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, आप यही मान लीजिए। न्यू वर्ड एडेड टू द डिक्शनरी। गाइज, यहाँ पर एक राउंड हमें सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं, तो आइए करवा लें। गाइज, फाइनली हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट, और ये देखिए हमारे पीछे है इंडिया गेट। गाइज, भीड़ भाड़ तो रहेगी भैया, अब भी भीड़ का हिस्सा है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और हम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फन। आज हमने ये स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि हम बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिक प्लेस आए हुए हैं हम, और हाँ भैया जी, हाँ, मगर आइए, आज का बड़ा मज़ा आ रहा है हमें इस ब्लॉग को बनाने में। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और सारे के सारे दिलवाले हैं, दिल्ली वाले। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। गाइस, ये एक विशाल आकार जगह है, आप जब भी आए दिल्ली, इंडिया गेट जरूर।
तो गाइस जैसे जैसे शाम ढल रही है यहाँ पर भीड़ उसी तरह से बढ़ रही है। हम आपको सीधा प्रसारण दिखा देने की कोशिश कर रहे हैं सीधा इंडिया गेट से, और होप्स हो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये जगह घूमने में। अभी यहाँ पर नेताजी को भी स्थापित किया गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर एक उल्लास का माहौल है, शाम के टाइम पे स्पेशली ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप जब भी आए यहाँ पर शाम के टाइम में ही हरियाली ही हरियाली। हाँ। सो गाइज, इंडिया गेट की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैंने इंस्टा पे डाली हुई है, वो आप फॉलो कर लेना तो आपके वो स्टोरीज देखने लगेंगे। सो गाइज, मुझे ये चश्मे पसंद आ गए, ये अंकल जी के पास से, तो मैंने इसको ले लिए है। और प्रभात भैया अभी देख रहे हैं कि वो कौन सा वाला लेंगे, आप कमेंट करके बताना कि मेरे वाले चश्मा कैसे। सो गाइज, ये दोनों जगह छोड़ने के बाद अब हम फिर जा रहे हैं शहीद स्मृति पार्क की ओर। जितनी बढ़िया लाइट मिलेगी हमें उतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी रहेगी, तो आइए हम देखते हैं कि कितनी बढ़िया लाइट है हमारे पास। गाइज, ये हम पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, आगे जाके दिखाते हैं इसमें क्या है। ये यहीं पर खड़े रहेंगे, ड्यूटी है इनकी। शहीदों की स्मृति में उनका नाम रखा गया, शहीदों की स्मृति में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखे हुए हैं, हर एक ब्रिक में एक एक नाम हुआ है, और साथ ही साथ उनका कोड भी मेंशन किया हुआ है, सर्विस नंबर जो होता है। सो गाइज, फाइनली हमें हमारा घूमना हो गया है। इंडिया गेट हमने घूम लिया, और हमने क्या घूमा, वॉर मेमोरियल नहीं, उससे पहले भी ना हम क्या कहाँ गए, राष्ट्रपति भवन भी हमने घूम लिया। सो गाइज, आज के एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और यहीं पर हम लोग करेंगे इस एपिसोड को समाप्त। थैंक्स प्रत्युष, गिविंग मी अ चांस, काहे मजाक कर रहे हैं, कम ऑन योर ब्लॉग, थैंक्स ब्रो, मजाक वंडरफुल, आई एम अमेजिन, आई लाइक इट। चलिए भैया ने तो सब्सक्राइब कर लिया, अगर आपने नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लें, और भी बहुत सारे बढ़िया ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। लव यू, बूम।